हम वर्ल्ड डे के बारे में बात करेंगे लेकिन मासूमियत के साथ उन मासूम बच्चों के अधिकारों की भी बात करेंगे हमारा जो पहला सेगमेंट होगा और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इस साल 2023 में थीम रखा गया है

नमस्ते हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रशांत चौहान हु इज अ प्रोफेसर ऑफ सोशल वर्क्स इन एमिटी यूनिवर्सिटी सो वेरी वेलकम टू यू बातचीत की शुरुआत करते हैं अनूप जी आपके साथ आ, सभी जानते हैं कि ये जो चाइल्डहुड होता है बचपन होता है ये बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप होता है आज जब हम चिल्ड्रन राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है बच्चों को सेफ करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं जी Uh, माएंगी एक्चुअली बाल अधिकारों की जब हम बात करते हैं जी, तो मुख्य तौर पर चार बाल अधिकार हैं जिसमें आपका सर्वाइवल राइट ऑफ सर्वाइवल राइट ऑफ प्रोटेक्शन राइट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड राइट ऑफ डेवलपमेंट ये चार मुख्य तौर पर बाल अधिकार हैं इनके अंदर और भी बहुत सारे अधिकार आते हैं तो जिसमें राइट ऑफ प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं वो चाइल्ड सेफ से रिलेटेड है तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है चाइल्ड सेफ क्योंकि आ, हम देखते हैं कि आ, आज हमारे जो बच्चों हैं उनके संग बहुत तरीके का आ, मतलब चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है चाहे फिर वो घरों में हो चाहे वो स्कूल में है या वो इंस्टीट्यूशनल केयर में जो बच्चे हैं उनके साथ तो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है इस समय और पूरे विश्व में मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे विश्व में इस अधिकार के लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हालांकि बहुत सारा काम हो भी रहा है लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं सरकार ने जो बनाए हैं जिसमें आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट है और पॉक्सो एक्ट है ये विभिन्न कानून हैं जिससे बाल अधिकारों की सुरक्षा खास करके जो चाइल्ड की जब हम बात करते हैं, उसके लिए काम कर रही है। प्रशांत जी आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि चार विभागों में मुख्य जो मूल अधिकार हैं बच्चों के उनको बांटा गया है लेकिन ज्यादातर ये देखा गया बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में अक्सर जानकारी नहीं होती और उनके जो माँ बाप हैं वो ऐसे परिवेश से आते हैं कि शायद उनको उनको भी ना जा, जानकारी हो तो ऐसे में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी आई थिंक uh, इस दिवस पे सबसे बड़ी बात जागरूकता को लेकर ही होनी चाहिए क्योंकि आज हम देखें अगर तो uh, हर चीज आज मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे अपने अधिकार पता है और शायद इसीलिए आपने मुझे बुलाया है तो अधिकारों की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आ, हमारे भारतवर्ष में आ, एक विकसित देश है और हम विकास विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें बच्चे हों चाहे परिवार का माता पिता हों सभी का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें जागरूकता के स्तर पे अगर हम देखें तो पहले के कंपैरिजन में इस समय बहुत बदलाव देखने को मिले हैं लोगों में बहुत भारत सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं शुरू की गई और जिसका एक सार्थक हमें देखने को मिलता है जमीनी स्तर पे कि जो पहले बात थी अब वो नहीं है हुँ. लेकिन कहीं कही ना कहीं क्योंकि बच्चे जो हैं वो वनरेबल सेक्शन में आते हैं जो उनको हम एक उस कैटर में लेते हैं कि जिनको के संग तमाम तरीके की उन्हें यू नो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो स्कूल में हो या फिर आप किसी भी और सामाजिक परिदृश्य से उसको देखें तो जहाँ तक जागरूकता की बात है तो जागरूकता के लिए पहला स्टेप मुझे लगता है कि पेरेंट्स उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर में क्योंकि हमने प्राय देखा है कि जो बच्चों के संग जो रिसर्चेज आई हैं कि जो भी हिंसा हुई है या उनके संग जो भी भेदभाव हुआ है वो पहले घर के अंदर हुआ है नॉर्मली हम देखते हैं कि बाहर की बात करते हैं लेकिन देखने को मिला है कि जो उनका क्लोज रिलेटिव है उसी के संग अभी उसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं या उनको कॉलेज में अगर चार बच्चे हैं और लड़की है तो लड़के को भेजा जा रहा है लड़की को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है कि वो घर के काम करेगी तमाम तरीके की ऐसी कोई समस्याएं हैं जिसके लिए हमारे यहाँ आप देखें तो एक मिशन शक्ति योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में स्पेशली उसमें बहुत काम हो रहा है और पर, पर। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी हमने देखा उसके बड़े सार्थक रिजल्ट्स देखने को मिले स्पेशली एनरोलमेंट ऑफ़ गर्ल्स इन दी स्कूल्स और अवेयरनेस की जहां तक बात है तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स हो रहे हैं आज डीडी नेशनल को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आज आपने इस मुद्दे को यहां पे लिया और कहीं ना कहीं ये भी एक जागरूकता का बहुत बड़ा प्रयास है क्योंकि जितने भी लोग आज इस शो को देखेंगे वो कहीं ना कहीं कही विश्व जो भी बा, बाल दिवस है उसके बारे में उनके दिमाग में आएगा सुबह सुबह और वो सोचेंगे कि भाई बच्चों के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए तो ये सारे एफर्ट्स अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं एन सरकार गैर सरकारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस अगर मैं बात करूं social work की स्टूडेंट्स की या कोई भी यूथ कम्युनिटी की तो सभी लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और पहले की कंपैरिजन में अवेयरनेस बढ़ी है और बढ़ी मैं लास्ट बच्चों में, के बारे में लोग सोचने लगे सोचने लगे लगे और जरूरी ये भी है कि हम भी बच्चों के बारे में सोचें और बच्चों को भी सोचना सिखाए जी क्योंकि बच्चों को क्या सोचना है वो सिखाना जरूरी नहीं है कैसे सोचना है वो सिखाना जरूरी है अलका जी आपके पास आना चाहेंगे अभी प्रशांत जी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे भेदभाव की बात कर रहे थे आपने भी एक लंबा अरसा बच्चों के बीच में बिताया है अपने कार्यकाल में तो क्या फिजिकल और क्या मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है बच्चों के जब वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं या किसी प्रकार का भेदभाव परिवार में या सोसाइटी में जब उन्हें फेस करना पड़ता है तो क्या असर पड़ता है उनके मन मस्तिष्क पर देखिए बच्चों के मन मस्तिष्क पे असर तो जब से वो माँ के गर्भ में आता है तब से ही पढ़ना शुरू हो जाता है जी. और बच्चे के को तो हमें संस्कार भी जो देने हैं वो यदि माँ के संस्कार उस समय से शुरू होते हैं जब वो बच्चे बच्चा माँ की कोख में आता है जी. तो हमें पेरेंट्स को संस्कार देने हैं तो बच्चे को हमें जन्म देने के समय कभी भी उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए की माँ को कि उसको अभी उसका डिस्कार्ड रिगार्ड हो रहा है और बच्चे के जन्म के बाद से तो अधिकार शुरू होते ही है तो उस समय माँ को यदि अच्छा खाना पीना मिलेगा तो बच्चा स्वस्थ होगा मस्तिष्क स्वस्थ होगा जब माँ गर्भवती है जन्म लेने के बाद उसको सारे अधिकार ऐसे मिलते हैं कि वो एक सामान्य जीवन जी सके उसका सारा विकास सर्वांगीण विकास हो सके तो उसके पर्यावरण में परिवेश में वो चीजें आनी चाहिए अब बच्चे के माता पिता उसके दादा दादी उसके शिक्षक सभी का रोल उसमें आता है तो इसलिए बच्चों को हम अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें माता पिता के संस्कार से शुरू करते हुए और बच्चे के आसपास के के वातावरण को भी ऐसा करना होगा कि बच्चा सीख सके यदि किसी घर में कुछ अच्छे कार्यक्रम होते हैं या अच्छा वातावरण है कुछ अच्छा संगीत सुना जाता है

अच्छी लेडी होगी या दादी माँ हो नानी माँ हो तो तो बहुत अच्छा है लेकिन अब अब सिंगल परिवार में लोग रह रहे हैं तो यदि ऐसा वातावरण मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और बच्चे भी एक-एक होते हैं तो बड़े भाई बहन का भी साथ नहीं बच्चों को मिलता है जैसा अलका तो जी नहीं? ने अभी हमारे साथ साझा किया कि अक्सर आजकल ऐसा है कि पेरेंट्स वर्किंग हैं और घर में हाउस हेल्प के पास बच्चे हैं या कुछ है आपके पास क्योंकि आप सोशल वर्क कर रहे हैं जमीन से जुड़े हैं आप देखते होंगे कि काफी ऐसे किससे सामने आते हैं तो हमें बच्चों के साथ कैसे वो रैपो बनाएं कि वो खुल के अगर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है कोई परेशानी है वो अपने माँ बाप या अपने आसपास के लोग जिनसे वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं उनके साथ साझा करें क्या ऐसे कोई आपके पास केस स्टडी या कोई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जी एक्चुअली देखिए क्या है कि बच्चों को आ, उनको जागरूक करना जैसे प्रशांत जी बता रहे थे कि जागरूकता एक बहुत इम्पोर्टेंट वो विषय है तो बच्चों को भी हमको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है तो इसमें सबसे पहले जो रोल है वो पेरेंट्स का है माता पिता का उनको अपने बच्चों के साथ समय समय पर बातचीत करनी चाहिए और हर विषय पर उनको खुल करके उनके संग बातचीत करनी चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए कि वो अपने विचार प्रकट करें तो हम बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के संग वो बात नहीं करना चाहते हैं है ना यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्स की बात करें तो एक एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन या उसके ऊपर जो टॉक है वो बच्चों के संग होना, होना चाहिए तो इसलिए वो बच्चे भी समझेंगे कि हाँ हमें मतलब किन बातों के बारे में लोगों को अपने पेरेंट्स को या अपने केयर गिवर्स को बताना है अनुप जी क्या हो रहा है ना अभी सोशल मीडिया के दौर में जब हम इतना सब डिजिटल कंटेंट उपलब्ध है सेंसर्ड है अनसेंसर्ड है तो ऐसे में बच्चे अपने एज के पहले मेच्योर हो जा रहे हैं जो ज्ञान उन्हें एक अप्रोप्रिएट एज में दिया जाना चाहिए वो उस एज अटेन करने के पहले ही अटेन कर ले रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे आप कैसे पेरेंट्स की ड्यूटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें रेगुलेट करें मैनेज करें कैसे करें। तो बिल्कुल आपने सही बात बताई कि आज जो बहुत गंभीर एक मसला है वो है डिजिटल उसका जी। तो आमतौर पर बच्चे जो है मोबाइल पे या टैबलेट्स पे या कंप्यूटर्स पे ही अपना समय बिताते हैं जो कि एक बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ हो गई है और परिवारों में भी मतलब हम देखते हैं कि लोग आपस में बातचीत करना या वार्तालाप करना बंद हो गया है आ, इवन जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के संग वही मैसेजिंग के जरिए या उसके जरिए उनसे वो कर रहे हैं तो अभी हमें इसके बारे में एक्चुअली बातचीत करनी चाहिए घरों में भी स्कूलों में भी और पेरेंट्स को एक्चुअली एम्पावर होना पड़ेगा उनको समझना पड़ेगा कि एक बहुत गंभीर विषय है और कुछ खास नियम मतलब इसके लिए बनाने चाहिए जैसे खास करके खाने के समय हम मोबाइल uh, का इस्तेमाल नहीं करेंगे है ना? या पढ़ाई के टाइम पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे हुँ. तो एक समय होगा जो हम उसको uh, इस्तेमाल करेंगे और कितना इस्तेमाल करेंगे और इसका क्या इल इफेक्ट्स हैं वो भी हम लोगों को बच्चों को बच्चों बताना बहुत जरूरी है प्रशांत जी जैसे ये ये अभी हमने डिस्कस किया ये तो बात हो गई जब हम एज इंडियंस देखते हैं कि ये ये चीजें हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं लेकिन अगर बर्ड्स आई व्यू देखें ग्लोबली देखें तो हाउ इज इंडिया परसीव्ड यहाँ के बच्चों के लिए क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो चाइल्ड राइट्स से संबंधित सामने आते हैं नहीं बहुत अच्छी बात आपने की Uh, क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें तो जो जो विक्टिम हैं जो जो अफेक्टेड होते हैं आप कहीं भी देखें चाहे वो कहीं वार हो हाँ। या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो जो सबसे पहले इफेक्ट अगर हम देखने को मिलता है तो वो हमें बच्चों पे देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं जो बच्चे फिर मैं कहूँगा कि वो वनरेबल सेक्शन में इसीलिए आते हैं कि कोई भी परेशानी है अगर पिता की नौकरी भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले इफेक्ट उसके बच्चे पे ही आता है कि उसको स्कूल नहीं जा पाता है या उसे बेसिक नीड नहीं।, नहीं मिल पाती है अगर हम ग्लोबली देखें तो यूनिसेफ uh, और अन्य जो यू एन हैं या जो और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं डेफिनेटली सभी के प्रयास से uh, इस पर काम हो रहा है ग्लोबली और uh, भारत में भी इस पर बहुत अच्छे स्तर पर कार्य हो रहा है और अभी जो आप बात कर रहे थे कहीं कही ना कहीं डिजिटल सेफ्टी हो या फिर एजुकेशन हो क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें जो 2030 तक सतत गोल जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करने की बात करें तो भारत का उसमें भी एक सकारात्मक एफर्ट्स हो रहे हैं और सब सख्त अभियान और तमाम ऐसे माध्यमों से कि भाई एक सभी बच्चे स्कूल जाएं पढ़ें चाहे वो बाल विवाह हो उसमें एक कम एक उसमें भी कम आए एक उसका एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी अलका जी आप पर आना चाहेंगे अलका जी एक बार फिर से आपसे यह जानना चाहेंगे कि इन दिनों बच्चों में सुसाइड केसेस के बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं सुनने को मिल रहे हैं तो आखिरकार क्या वजह है जो बच्चों में यह सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने की जो टेंडेंसी है आदत है यह पनपने लगी है देखिए ऐसा है ना कि बच्चे अब उतना बातचीत करने का अवसर नहीं पाते हैं जी स्कूल गए में पढ़ा और घर पे आके मोबाइल पे आ गए जी और इस तरीके से वो जो है क्या कह कहते हैं अपने घर में भी पेरेंट्स से भी उतना समय नहीं पाते कि बातचीत करें तो उनके अंदर ग्रंथियां बन जाती हैं थोड़े से अंदर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और जब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो वो अपनी बात ना शेयर करने के वो धीरे धीरे उनका अकेलापन ही उनको खाने लगता है तो जरूरत यह है कि घर में और बाहर बच्चों से बातचीत की जाए उनको हल्का किया जाए दिन भर की स्ट्रेस जो है खेलना भी आउट मतलब तो जो सर के घर के बाहर की गेम है वो कम हो गए हैं जो सामान्य बच्चे और जो बच्चे खेलने के फील्ड में जा रहे हैं वो तो खेलते हैं लेकिन आ, आम बच्चे जो है वो घर में ही रह जा रहे हैं तो हमें जरूरी है कि हम उन बच्चों के साथ समय दें उनसे बातचीत करें और बच्चों को कुछ ना कुछ घुमाने फिराने थोड़ा रिक्रिएशन और थोड़ा सा उनको आध्यात्मिक भी मैं कहूंगी बच्चों को हनुमान चालसा या गायत्री मंत्र कुछ ऐसी है जो तो हम तो हमारे लिए है, अच्छा होगा और पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे जी, मन हल्का तो करना ही चाहिए धर्म अध्यात्म की भी बात कर रही है धर्म से जुड़े रहेंगे संबल मिलेगा इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी बेसिकली प्रशांत जी अगर किसी भी परेशानी को हम एड्रेस करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर एवरीथिंग आप जितना उसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे डिस्कशन करेंगे सुझाव निकलेंगे आ, अगर हम चाइल्ड राइट्स की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट जैसे बच्चों ने भी कहा राइट टू लिव इन द सेफ एनवायरमेंट एंड राइट टू एजुकेशन है इसके अलावा आप क्या सुझाव देते हैं कि किस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर नहीं मुझे लगता है कि डेफिनेटली बच्चे तो भविष्य हैं फ्यूचर ऑफ द नेशन है और उन उनपे ध्यान देने की हर तरीके से जरूरत तो है सर्वांगीण विकास के से, से सेफ्टी की बात है एजुकेशन की बात ऑलरेडी बच्चों ने अभी इंपॉर्टेंस की बात की मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा थ्री पीस की बात है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड पार्टनरशिप विद इन अकाउंटेबिलिटी क्योंकि अगर हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से उनका डेवलपमेंट हो वो अच्छे परिवेश में पढ़े लिखे तो कहीं ना कहीं घर बाहर और उनकी जो जागरूकता इनर सेल्फ है पेरेंट्स की हो उनकी अंदर हो और आगे चल के उनकी अकाउंटेबिलिटी जैसे अगर मैं हूँ किसी बच्चे को अगर बाहर देख रहा हूँ काम करते हुए या उसके संग कुछ गलत काम हो रहा है हमने प्राय देखा है चाइल्ड लेबर के मैटर्स में लोग कहते हैं अरे कुछ काम कर रहा है हमें क्या करना है कमा नहीं। नहीं। रहा है लेकिन कहीं ना कहीं एज ए सिटीजनशिप के तौर पर सभी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि बच्चा चाहे वो किसी और का ही क्यों ना हो हमें उसके लिए आगे बढ़ के काम करना वो होगा। है, दरता है, दरता है, है है विसल ब्लोइंग में में व्यक्ति डरता कुछ कुछ ना उसके मन में होता जी, है। जी, तो इस तरीके से उसको मुझे लगता है कि लोगों को हमें एक अकाउंटेबिलिटी के लिए थोड़ा सेंसिटाइज करने की जरूरत है स्पेशली मैं आरडब्ल्यू की हुँ, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जो मल्टी स्टोरी जो है जहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ नोएडा की बात करूँ तो बाहर के लोग यहाँ ज्यादा हैं और पलायन के होने के बाद में कहीं ना कहीं बच्चों पर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि हमें प्रिवेंशन प्रोटेक्शन और पार्टनरशिप्स क्योंकि पार्टनरशिप की बात हम अभी आपने यूनिसेफ की भी चर्चा यहां पे की थी कि हम सभी को जब मिलकर हम लोग काम करेंगे सारी सिविल सोसाइटी हो मीडिया आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें जब सभी लोग मिलकर इसमें काम करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल भी इन्वॉल्वमेंट होगा तब हम लोग एक बेहतर कल जो हम एक नए भारत की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें एक एक सुरक्षित बचपन या अच्छे भविष्य भविष्य

तो मैं दुनिया की बात तो नहीं करूँगा मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा अपने देश की बात करूँगा तो बहुत सारे कानून हैं बहुत सारी व्यवस्था है सरकार ने बहुत सारा सिस्टम बनाया हुआ है लेकिन हम अक्सर देखते हैं जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करें हम दिल्ली में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आ, आपने देखा होगा रेड लाइट्स सिग्नल्स पे अक्सर बच्चे जो हैं भीख मांगते हुए नज़र आते हैं तो मैं एक्चुअली उनको कई बार उन बच्चों से बात की मैंने उनको बोला बेटा आप ये क्यों कर रहे हो आप चलो हमारे साथ हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे खाना पीना अच्छा सब कुछ वो सब देंगे कपड़े वपड़े देंगे तो वो बच्चे जाने को तैयार नहीं होते हैं तो बेसिकली ये जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको इनक्रेज कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं इन सब एक्टिविटीज़ के लिए तो कायदे से ये एक इशू है तो इसके लिए जो कानून है कोई कानून जरूर होगा जी, ताकि इनको रोका जा सके सर ऐसे में आ, कुछ काउंसलिंग मदद करती है क्या कि कुछ ऐसे ग्रुप काउंसलिंग आ, करी जाए इनके बच्चों की या उन पेरेंट्स की नहीं एक्चुअली काउंसलिंग आ, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी इसमें तो बेसिकली अगर जरूरत है कि उन पेरेंट्स के साथ काम किया जाए कि वो क्यों इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उनको सशक्त करने की ज़रूरत है उनको मदद करने की ज़रूरत है कि वो कुछ काम करें कुछ रोज़गार करें और उस आय से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें जिसमें एजुकेशन है न्यूट्रिशन है या और अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकें तो पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को उनको मजबूत करने की ज़रूरत है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें चाहे वो एन जी हैं या सरकारी सपोर्ट uh, है या और एज एन इंडिविजुअल या कॉरपोरेट्स हैं बहुत सारे जो करते भी हैं और कर भी रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है जब हम देखें कि, कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी स्थिति में किसी भी बच्चे के बाल अधिकार का हनन ना हो रहा जी, जी, जी बिल्कुल तो सोशल वर्कर्स हैं एनजीओस हैं सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रही है प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है लेकिन हम सबने भी मिलकर एक जिम्मेदारी ठाननी है शपथ लेनी है संकल्प लेना है कि बच्चों के अधिकारों का हनन कभी नहीं होने देंगे बिल्कुल और हमें लगता है कि वी कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बट छोटा छोटा कदम भी एक बुल -बुल से ही तो घड़ा घड़ा भरता बनता है। है। भरता है, है बिल्कुल और एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं जब हर नागरिक अपने एक ओनरशिप लेता है एक अकाउंटेबिलिटी लेता है जैसे प्रशांत जी ने कहा जी। तो हम सभी जागरूक रहे सशक्त रहे जी हाँ आप तीनों ही गेस्ट हमारे साथ जुड़े वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पर आपने बातें की आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी प्रशांत जी अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए Okay. तो बात वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पर हमने चिल्ड्रन राइट्स की की एवरी चाइल्ड एवरी राइट की की सोशल वर्क कैसे जो है बच्चों को अधिकार दिलवा सकता है सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं कभी हम आने वाले एपिसोड्स में इसके विषय में भी बात करेंगे